ठीक है, चलो थर्ड चैप्टर देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। एक ये चैप्टर का रिवीजन और पीवाईक्यूज देखना है, इस सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बच्चे इसके रिएक्शंस देखकर डर जाते हैं क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस है पढ़ने हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो अभी जो पीवाईक्यूज पे आप गौर करो तो आपको रिएक्शन लिखने के लिए बहुत कम पूछा गया है पीवाईक्यूज में, आपको रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं काफ़ी, तो उसको देखते हैं। तो अब आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पर। तो पहला सवाल देखो क्या है, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट। हमने एक रिएक्शन देखा है किताब में, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालना है, ब्लू कलर का होता है, तो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? वो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों रिएक्शन किसी को याद है? आयरन है तो क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर होगा, तो क्या बनता है उससे, एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू। तो इससे हमें मालूम पड़ा हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इसके साथ मिला लिया, ठीक है, इसको आयरन इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बराबर है, इसलिए कौन सा रिएक्शन है वो आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर डैश इन कलर। ये कलर याद रखना है, मैंने रेगुलर लेक्चर में बोला था कि क्या आया है, पेल ग्रीन कलर है। जिस साल ये आया था उस साल ऑलमोस्ट हर बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसे लगा कि टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, जबकि टेक्स्ट बुक में था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इंटू फेरिक सल्फेट। ये बच्चे काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, फेरस सल्फेट होता है एफ ई टू प्लस, ठीक है, फेरिक सल्फेट होता है एफ ई थ्री प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जब फेरस से फेरिक बना तो कौन सा रिएक्शन है, यानी एफ ई मतलब बताने का मतलब है, वो बोल रहा है कि एफ ई टू प्लस से उसने बनाया एफ ई थ्री प्लस बनाया, तो अगर एफ ई टू से उसने एफ ई थ्री प्लस बनाया तो कौन सा रिएक्शन हुआ। पहली बात तो इस रिएक्शन में हो रहा क्या है बताओ, ये टू प्लस से थ्री प्लस बन रहा है, इसका इंडिकेशन क्या है, क्या मतलब है इसका, पहले दो इलेक्ट्रॉन छोड़े थे तो कितने आए, दो आए, फिर और एक छोड़ा तो थ्री प्लस हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या गया, छोड़ा गया, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब कोई बोलेगा अरे ऑक्सीडेशन का मतलब तो ये बताए थे कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकल जाना, उसमें तीसरी चीज़ ऐड करो, लिखाया था ये भी, ऐड कर लो अगर नहीं पता तो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, अरे याद रहेगा। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो गया, समझे, ठीक, क्लियर हुआ। तो रिडक्शन में तीसरा ऐड कर लेना, फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट हो जाना, अरे ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब यहाँ पे कलर है भाई, ये तो याद रखना पड़ेगा, AgCl का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है। मार्च 2023 यानी कि पिछले साल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो कलर वहाँ दिया होगा। हाँ यहाँ पर देखो, ये मार्च 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये बताना है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दो, डबल डिस्प्लेसमेंट की सिंपल पहचान होती है प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, अगर डाउन एरो आ गया तो आग बंद करके लिख देना कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनमें से जितने भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेट हमेशा किस में फॉर्म होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, ये याद रखना, अक्सर बच्चों को डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन नहीं याद होता, ठीक है। तीसरा, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टर इन द प्रोडक्ट, ये इसका नाम लिखना है, AgNO3 तो सिल्वर नाइट्रेट होगा इसका नाम, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, AgCl है क्या नाम हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, और NaNO3 है सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक, तो ये नाम याद रखने आपको, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी इन डिफरेंस इन द टू इवेंट्स, नेमली एडिंग NaOH टू वाटर एंड एडिंग CaO टू वाटर। यहाँ पर ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, मतलब वो क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, कई बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन है क्या। देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ने के चांसेस है बच्चों के, क्योंकि पूछा केमिकल रिएक्शन ही है पर उसका तरीका अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस है, अगर मैं पानी में एक बार NaOH मिलाऊंगा और एक बार कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाऊंगा तो क्या डिफरेंस होगा, अगर मैं एडिंग NaOH टू वाटर, हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये रिएक्शन आपके पास है लिखा हुआ, ठीक है। NaOH अगर कैल्शियम ऑक्साइड को आप रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। डिफरेंस क्या, मतलब दोनों में सिमिलैरिटी यही है, दोनों दोनों कौन से रिएक्शन होंगे, एक्सोथर्मिक। डिफरेंस क्या है, जब मैं NaOH को वाटर में ऐड करूंगा तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जब CaO को ऐड करूंगा मैं तो
तो न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलाएंगे तो एक सब्सटेंस जो बनेगा आपका CaOH2 बनेगा, समझ गए। ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर बनता है, इसके अंदर कुछ नहीं बनेगा, उससे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और ये NOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इससे जो बनेगा ये एक वीक वो हो जाएगा, बेस होगा, ठीक है। तो ये वीक बेस है आपके लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, जुलाई 2019 टिपिकली 2019 के जो पेपर थे उसमें भी जुलाई वाला पेपर थोड़ा सा टफ है अगर आप सारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो, ठीक। अच्छा यहाँ देखो, ये रिएक्शन कंप्लीट करना अभी मैंने बताया था, CuSO4+Fe क्या बनेगा, FeSO4+Cu। अरे यही रिएक्शन है ना पहला वाला, अभी तो किए थे, बताया था, ध्यान। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, टेक्सटबुक में आपके दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आया होगा, मत बोलना कि आपको प्रीलिम्स या कहीं कोई प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन दिखा नहीं, हो नहीं सकता, बहुत रेयर है। उठ जाओ, ठीक है। चलो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है कि किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो ये पिक्चर को देखना और ऑब्जर्व करके बताना है। पहले तो रस्ट का डेफिनेशन पूछा है, रस्ट क्या होता है वो लिखना है, रेडिश ब्राउन कलर होता है जो वाटर की वजह से आ जाता है, ठीक है, सरफेस ऑफ आयन पे। केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट याद होगा, Fe2O3.XH2, ये दोनों तो रटने वाली चीज़ है। तीसरा आता है एनोड और कैथोड रीजन। अच्छा मैं कहता हूँ किसी भी बैटरी या किसी भी चीज़ में एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं। एनोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, लिख लो कहीं पे, क्योंकि इसमें और दो चीज़ें लिखाऊंगा मैं अभी। हाँ उसी में लिखो, एनोड में आगे लिखो, एनोड में आगे लिखो, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, एनोड में आगे लिखो, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, एनोड में लिखो आगे, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड में लिखो, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन और इट एक्सेप्ट, कैथोड में क्या आएगा, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एनोड में क्या होगा बोला, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, कैथोड में क्या होगा, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ किस पे, अगर वो पॉजिटिव लेंगे तो फिर ये नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस पे आगे चिपक जाएगा ना, यहाँ तो मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, है ना, अगर निकालूँगा तो वो करंट के डायरेक्शन पर है, मैं बताऊँगा बाद में क्या, ठीक है। तो देखो लॉजिक भी बता देता हूँ, एनोड अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के अपने पास आने नहीं देगा तो भेज देगा, है ना। तो यहाँ पे Fe2+Fe था, Fe मतलब कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन है। अब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हटा देगा तो यहाँ पे 2+ का चार्ज आएगा, बराबर है। कैथोड, अब यही Fe2+ किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, कैथोड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर देखो ये Fe2 था, ये कितना हो गया, Fe3 हो गया, ठीक है। तो एनोड पर इतना याद रखो कि यहाँ पर वो नेगेटिव उसको रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, रिलीज करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो रिएक्शन लिखने थे, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट एनोड, एनोड पर लिखना था, और रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट कैथोड, कैथोड पर लिखना था, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो दोनों पर ऑक्सीडेशन हो रहा है लिख दिया, लास्ट में कोरोजन का डेफिनेशन देना है, तो ध्यान रखना कोरोजन और रस्ट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मेटल गेट अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सजेस्ट मॉइस्चर एसिड, मेटल इज सेट टू बी करोड, इससे क्या होता है, मेटल को करोड कहते हैं, ठीक है, थीके? और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक। तो रस्ट अलग है, कोरोजन अलग है, तो ये दोनों को मिक्स मत करना, पाँचवा का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करें ए बी, यहाँ पर ए क्या होगा बी क्या होगा आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले लाइमस्टोन दिया हुआ है, और क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को समझो, लाइमस्टोन को डेल्टा, ये ट्रायंगल या हीट का मतलब वही है, लाइमस्टोन को गर्म करना है, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है, काको 3 पढ़ते हैं जो अपन,
CaCO3 का फॉर्मूला, उसको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस इतना रिएक्शन याद रखना है, व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज हीटेड, और रिएक्शन को लिख देना है। सब्सटेंस ए का नाम क्या बनेगा, बी का नाम क्या बनेगा, वो याद रखना। ठीक, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको बताना है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, किताब में आपके लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक वाटर जिंक का क्वेश्चन नहीं आया है, टेक्स्ट बुक में लास्ट में एक क्वेश्चन है कि वाटर जिंक के लिए क्या है, इसने लास्ट में मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। चलो मैं जब टेक्स्ट बुक मार्क कराऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ देखो, तो ये कौन सा रिएक्शन ये पूछा गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बस याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, बैलेंस करना है इसको। ठीक, तीसरा वाला, इसमें से फ्रॉम द गिवन रिएक्शन इसमें से बताना है कि ऑक्सीडेंट कौन सा है और रिडक्टेंट कौन सा है। ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन पहुंचाएगा और रिडक्टेंट मतलब जिसका ऑक्सीजन चला जाएगा। तो कौन ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ये पहुंचा रहा है ना, अरे इसी के पास ही ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। किसका ऑक्सीजन चला गया, इसका ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्टेंट हो गया। समझे, ऐसे मान लो कि ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, H2 में O ऐड हो गया, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रिड्यूस हो गया, तो ये रिडक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर क्यों लेना चाहिए हमको, कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। हाँ, तो ये खुद पढ़ सकते हो, सिंपल सा है। ये देख लो, ये रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर से देखो ये रिएक्शन है, मालूम है कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन में देखो, ये दो चीज़ मिलाकर एक चीज़ बनी है, तो कौन सा है, कॉम्बिनेशन। इसके अंदर एक चीज़ दो चीज़ में टूटी गई है, तो कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजन। तीन मार्क मिल गए, कितना आसान क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो बतानी है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, शुगर का, हमने याद है मैंने बताया था, शक्कर को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, काली हो जाएगी, यानी कार्बन अलग हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अगर आप गर्म करेंगे इसको, तो ये कार्बन अलग हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, अलग। रिएक्शन को रट्टा करके याद कर लो, और कुछ नहीं करना है इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन 2023 में आया था, 3 मार्क्स के लिए, काफ़ी बच्चों ने गलत करके आया था, पता नहीं क्यों। पहली चीज़ मैं बता दूँ, फिजिकल और केमिकल चेंज को पहचानने का सिर्फ एक तरीका याद रखो, फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल नहीं होता। नींद आ रही है तो सो जाओ, अरे चैन से पढ़ना है तो सो जाओ, सो जाओ, दो काम एक साथ नहीं होता, सो जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू वीडियो में भी नहीं आएगा, उल्टा कैमरा है, बोल तो कैमरा उल्टा उधर करवा। हाँ, यहाँ देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करना है, आइस को वाटर में बदलना, उल्टा कर सकते हैं ना, तो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कैरी का आम बन गया, आम का कैरी बनेगा रिटर्न नहीं, तो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, कर्ड कर्ड से मिल्क बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर भाप में बदला, भाप को ठंडा करके वापस पानी बना सकते हैं, तो कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। खाना डाइजेस्ट हो गया, रिटर्न खाना वापस बना सकते हैं नहीं, तो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। लोखंड जाकर मैग्नेट को चिपक गया, रिटर्न निकाल सकते हैं, तो कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। समझ गए, चलो बंद कर दो उसको।